हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कॉर्नर। दोस्तों, आज 5 फरवरी 2020, 5 फरवरी 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, करंट की ये क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करिए। फ्रेंड्स, चलिए हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आते होंगे, और समझ में आए या ना आए आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, लेकिन ये गारंटी है कि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करिएगा समझने की और पढ़ने की ये सारी चीज़ों को। फ्रेंड्स, हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया, तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कोई भी डे से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है। हर मंथ का जो भी आपको डे से रिलेटेड पॉइंट मिले, उसी वक्त उस मंथ से रिलेटेड सारे पॉइंट को रिवाइज कर लिया करिए। इससे क्या होगा कि डेली आपका ये सारी चीज़ें तैयार होती रहेंगी। तो दोस्तों, इस मंथ का जो पहला ये डे है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। बात की जाए विश्व कैंसर दिवस के थीम की, दोस्तों, तो इस बार का विश्व कैंसर दिवस का थीम, इस बार का कह लीजिए या 2019 से 2021 के बीच यही थीम रहेगा, बदलेगा नहीं। तो 19, 20 और 21 तीन सालों के लिए जो विश्व कैंसर दिवस की थीम है वह है आई एम एंड आई विल। तो यह विश्व कैंसर दिवस की थीम है। दोस्तों, इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, बात कर ली जाए तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना, रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में कैंसर जो है वह दुनिया भर में मृत्यु का प्रमुख कारण बन चुका है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात जिसे आप WHO के नाम से जानते हैं, WHO ने चेताया है कि कम से कम मध्यम आय वाले देशों में 2040 तक रोकथाम और देखभाल के निवेश की कमी के कारण कैंसर के मामलों में 81% की वृद्धि होने की संभावना है। तो 2040 तक इस कैंसर के मरीजों की वृद्धि जो है वो 81% होने की संभावना है WHO के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा यहीं पर जान लीजिए कि कैंसर आखिर होता क्या है। कैंसर रोगों के समूह का सामान्य नाम है। इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर की कुछ कोशिकाएं जो है वह किसी वजह से अनियंत्रित होकर बढ़ती जाती हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स जो होती हैं, जब कैंसर से कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो वो सेल्स क्या होती हैं कि अनियंत्रित बिना किसी वजह के ही वो बढ़ती रहती हैं, वो अनियंत्रित होकर बढ़ती रहती हैं। तो अनुपचारित कैंसर आसपास के सामान्य ऊतकों या शरीर के अन्य हिस्सों में फैलता है, जिसके कारण गंभीर रोग, विकलांगता और मृत्यु तक दोस्तों हो जाती है लोगों की। और अक्सर देखा जाता है कि लास्ट स्टेज में ही यह पता चल पाता है लोगों को। इसलिए जागरूकता फैलाने के लिए, कैंसर के प्रति रोकथाम के लिए प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ होगा। तो इसके आयोजन के लिए कौन सी जगह चुनी गई है दोस्तों, तो रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। दोस्तों, ये आज से ही शुरू होगा, अर्थात 5 फरवरी से ही इसकी शुरुआत होगी। यह कौन सा एडिशन रहेगा, अर्थात यह इस रक्षा प्रदर्शनी कौन से नंबर की रहेगी, तो यह इसका 11th एडिशन रहेगा। अब बात कर ली जाए इस डेफ एक्सपो 2020 के थीम की, तो दोस्तों इसका थीम है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये इसकी थीम है, इसको हिंदी में भी जान लीजिए, भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र। ये डेफ एक्सपो 2020 की थीम है। इसके आयोजन की बात की जाए फ्रेंड्स, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आयोजन जो है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL और रक्षा मंत्रालय के साथ ये दोनों ने मिलकर
इस रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया है। बात हो रही है रक्षा प्रदर्शनी की और रक्षा मंत्रालय की, तो यहीं पर रक्षा मंत्री को भी जान लेना जरूरी हो जाता है। दोस्तों हमारे वर्तमान के रक्षा मंत्री जो हैं वह राजनाथ सिंह हैं। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में M. अजीत कुमार को नियुक्त किया गया है। बात हो रही है CBIC की, तो सबसे पहले अब ये क्या है ये जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स CBIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। हिंदी में बात कर ली जाए इसकी तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इसी के नए अध्यक्ष के रूप में M. अजीत कुमार को नियुक्त किया गया है। दोस्तों कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नए अध्यक्ष की तत्काल जिम्मेदारियों में माल एवं सेवा कर GST के राजस्व में वृद्धि करना और केंद्रीय बजट 2020 में किए गए सीमा शुल्क परिवर्तनों को देखना शामिल होगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें देखी जाएंगी, तो माल एवं सेवा कर के राजस्व में वृद्धि करना और केंद्रीय बजट 2020 में किए गए सीमा शुल्क परिवर्तनों को देखना शामिल किया जाएगा। दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की, जिसे हमने नाम दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसकी स्थापना की बात कर लीजिए फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 ईस्वी को हुई थी। CBIC के हेडक्वार्टर की बात कर लीजिए तो नई दिल्ली में CBIC का हेडक्वार्टर है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये भी पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों शक्तिकांत दास को, शक्तिकांत दास के बारे में आपको पता होगा, यह हमारे वर्तमान में RBI के गवर्नर है, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मैगजीन द बैंकर ने एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो ध्यान रखिएगा किसे नामित किया गया है, शक्तिकांत दास को, जो कि RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं। दोस्तों बात हो रही है RBI की, तो RBI के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। गवर्नर को हमने जान ही लिया है, तो RBI की स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना हुई थी। RBI के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो मुंबई में RBI का हेडक्वार्टर है। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये वहीदा रहमान है जो कि जानी मानी अभिनेत्री हैं, आप सभी जानते होंगे इन्हें। वहीदा रहमान को मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। दोस्तों वहीदा रहमान को वर्ष 2018 के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है कि ऑप्शन में 2020 लिख दे, तो 2020 के लिए नहीं 2018 के लिए इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अब बात हो रही है राष्ट्रीय किशोर सम्मान पुरस्कार की, तो दोस्तों इस सम्मान में पुरस्कार स्वरूप क्या क्या दिया जाता है ये भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों इस सम्मान में पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वहीदा रहमान को यह पुरस्कार पिछले साल 13 अक्टूबर को दिग्गज गायक और लोकप्रिय अभिनेता किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में दिया जाना था, लेकिन उनके स्वास्थ्य के चलते ये पुरस्कार वह प्राप्त नहीं कर पाई थी, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्मान को वो आज प्राप्त करेंगी। तो ये रहा कुछ इस पुरस्कार से रिलेटेड चीज़ें। दोस्तों बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी की बात कर ली जाए तो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कमलनाथ मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो लालजी टंडन मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल अर्थात गवर्नर हैं।
अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसकी पुस्तक को पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो बेहद ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हो जाता है, यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों विनोद शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं जो, इनकी पुस्तक को पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। बात हो रही है विनोद कुमार शुक्ल की। तो फ्रेंड्स ये एक प्रख्यात हिंदी कवि एवं उपन्यासकार तथा साहित्य अकादमी से सम्मानित हैं, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनकी पुस्तक को यह मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, तो बात कर लेती हैं यहीं पर कि इनकी किस पुस्तक की वजह से ये पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। तो दोस्तों इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू। तो ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से विनोद शुक्ला जी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये बुक की बात कर ली जाए तो अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा और सारा राय द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद की गई पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू कहानियों पर आधारित पुस्तक है। यह पुस्तक आम लोगों और उनके रोजमर्रा के संघर्षों से जुड़ी कहानियों पर है। ये पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया ट्रांसलेशन के तहत हार्पर इम्प्रिंट द्वारा प्रकाशित की गई है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों इराक के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद तौकीफ अलावी नियुक्त हुए हैं। इराकी राष्ट्रपति जो है बरहम सालेह, उनके द्वारा इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इनकी नियुक्ति की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो इनसे पहले अर्थात मोहम्मद तौकीफ अलावी से पहले प्रधानमंत्री के पद पर आदिल अब्दुल महदी थे, उन्हीं के स्थान पर अब मोहम्मद तौकीफ अलावी जो हैं यह इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये क्या हुआ था दोस्तों, 2019 के नवंबर महीने में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। मोहम्मद अल्लावी पूर्व पीएम नूरी अल मलकी की सरकार में दो बार संचार मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो ये चीजें इनके बारे में थी। अब बात हो रही है इराक की, तो इराक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि इराक की राजधानी की बात कर ली जाए, दोस्तों इराक की राजधानी बगदाद होती है। इराक की मुद्रा अर्थात करेंसी की बात कर ली जाए तो इराकी दीनार जो है वह इराक की मुद्रा होती है। और इराक के राष्ट्रपति की बात कर ली जाए तो बरहम सालेह इराक के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, बाकी प्रधानमंत्री मोहम्मद तौकीफ अलावी अब हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, हाल ही में बाफ्ता अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों बाफ्ता अवार्ड की बात कर ली जाए तो 2020 ईई ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, इसका पूरा नाम ये होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम बाफ्ता बोलते हैं, पर इसका पूरी तरह से नाम जाना जाए तो 2020 अब की बार का था तो 2020 ईई ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। तो इसके आयोजन की बात की जाए फ्रेंड्स तो लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था, तो लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में। अब इस बाफ्ता अवार्ड में फिल्म और उसके बेस्ट एक्टर इन सारे फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बाफ्ता अवार्ड का ये कौन सा संस्करण था। तो दोस्तों बाफ्ता अवार्ड का ये 73वां संस्करण था, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर ली जाए कि इस अवार्ड के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड 1970 को दिया गया है। 1917 अर्थात 1917 नामक मूवी जो है इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों बेस्ट फिल्म के अवार्ड के साथ साथ ही इस मूवी को बहुत से अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि इस मूवी में को ही आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड, सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड, प्रोडक्शन डिजाइन का अवार्ड, साउंड और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड, और इसी मूवी के डायरेक्टर अर्थात सैम मेडेंस को ही बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है।
तो ये 1917 जो फिल्म है इतने अवार्ड को जीती हुई है, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म इत्यादि के अवार्ड को। तो इसलिए ये नाम याद रखिएगा मूवी का, 1917। अब बात कर लीजिए एक्टर और एक्ट्रेस की। तो दोस्तों लीडिंग एक्टर के अवार्ड को जोकिन फिनिक्स ने जीता है जोकर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर ली जाए तो लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड रेनी जलवेगर को मिला हुआ है। तो ये कुछ अवार्ड थे, तो आप ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये अवार्ड। अब नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा माल्टा अभियान का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों माल्टा अभियान का आयोजन जो है यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। ये भारतीय नौसेना के द्वारा माल्टा नदी जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में माल्टा नदी में तटीय सुरक्षा अभ्यास माल्टा अभियान का आयोजन किया गया है। दोस्तों माल्टा नदी के नाम पर किए जा रहे इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य तटीय समुदायों के साथ बातचीत करके तटीय सुरक्षा पर जागरूकता फैलाना और सुंदरवन डेल्टा जल में नौवहन जटिलताओं को समझना है। इस अभ्यास के तहत माल्टा नदी में सुंदरवन क्षेत्र से हेमनगर तक के लिए 2 नौसैनिक नौकाओं को रवाना किया गया। तो इतने पॉइंट इससे रिलेटेड हमें पता चले। यहीं पर बात हो रही है नौसेना की, तो नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात हो रही है नौसेना की, तो नौसेना प्रमुख कौन है ये भी जान लीजिए। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। तो दोस्तों ये हमारी 5 फरवरी 2020 से रिलेटेड करंट की क्लास थी। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आपको सबसे पहले मिले। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।